साल 1665 में खतरनाक तरीन टाउन से किसी तरह बच जाने वाले लंदन के मकामी अफराद ने शायद ये ख्याल किया हो कि आने वाला साल मुमकिन तौर पर इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, लेकिन बेचारों को क्या इल्म था कि साल 1666 में उन पर एक ऐसी अफताद आन पड़ेगी जो उससे भी ज़्यादा मोहलिक होगी। 2 सितंबर को लंदन ब्रिज के करीब वाके किंग्स बेकरी में आग लगी। उन दिनों आग भड़क उठना एक आम सी बात थी और इस पर बआसानी काबू पा लिया जाता था। लंदन के मेयर सर थॉमस ब्लडवर्थ को नींद से उठाकर जब आग के मुतालिक बताया गया तो उन्होंने नहायत हकारत भरे लहजे में इंतहाई नामुनासिब जवाब दिया। उन्होंने कहा, इस आग को तो कोई खातून पेशाब करके भी बुझा सकती है। उस बरस मौसम गर्मा काफ़ी शदीद था और कई हफ्तों तक कोई बारिश नहीं हुई थी, जिसके सबब लकड़ी के घर और इमारतें बहुत खुश्क हो गई थीं। आग ने जल्द ही शिद्दत अख्तियार कर ली। 300 घर तेजी के साथ राख का ढेर बन गए और मशरक़ की तेज़ हवाएं शोलों को मज़ीद बढ़ा रही थीं। आग गलियों गलियों घरों को जलाती तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। बाल्टियों से पानी फेंक कर आग बुझाने की तरकीब नाकाम हो चुकी थी और शहर में अफरा तफरी फैलने लगी थी। जैसे ही आतिशजदगी काबू से बाहर हुई, लोगों ने शहर छोड़ने की कोशिश शुरू कर दी और दरियाए टेम्स में कश्तियों के जरिए जान बचाने की कोशिश की। शहर में भगदड़ मची हुई थी। सैमुअल पीप्स और जॉन एविलेन का शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने पेश आने वाले सानहे का अगले चंद दिनों का आंखों देखा हाल बयान किया। सैमुअल पीप्स ने जल्दबाजी में बादशाह चार्ल्स टॉम को सूरत हाल के मुतालिक मुतल किया। बादशाह ने फौरी हुक्म दिया कि आग के रास्ते में आने वाले तमाम घर गिरा दिए जाएं ताकि आग को रोका जा सके। ऐसा करने का कोई फ़ायदा ना हुआ और आग आगे निकल गई। 4 सितंबर तक आधा लंदन आग की लपेट में था। बादशाह खुद फायर फाइटर्स के साथ खड़े होकर उन्हें पानी की बाल्टियां फराहम करता था ताकि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग इनके बस से कहीं आगे निकल चुकी थी। आखिरी हल के तौर पर आग के रास्ते में आने वाले घरों को ढाने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया गया ताकि आग को रोका जा सके, लेकिन धमाकों की आवाज़ से ये अफवाह फैल गई कि फ्रांसीसियों ने हमला कर दिया है, जिससे मजीद बदहवासी छा गई। जैसे ही पनाह गज़ीनों को शहर से निकाला, सेंट पॉल्स कैथेड्रल में आग भड़क उठी। बड़ी मकदार में छत पर लगा शीशा गली में दरिया की तरह बह गया। अजीम कैथेड्रल तबाह हो गया। खुशकिस्मती से टावर ऑफ लंदन आतिशजदगी से बच गया और बिलाखिर आग पर काबू पा लिया गया और 6 सितंबर तक आग को मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया। कुल लंदन शहर का सिर्फ 5वां हिस्सा ही बच पाया था। तकरीबन तमाम ही शहरी इमारतें और 13,000 घर तबाह हो गए, लेकिन हैरानकुन तौर पर सिर्फ 6 लोग जा बहक हुए। वाकई में इस वक्त के हिसाब से अंदाजन 50-70 लाख पाउंड्स का नुकसान हुआ, जबकि बादशाह चार्ल्स ने फायर फाइटर्स को इनाम दिया। अगरचे ये आतिशजदगी एक नाकाबिले फरामोश सानहा था, लेकिन इसने शहर को साफ कर दिया। ज़रूरत से ज़्यादा आबादी और बीमारी से आलूदा गलियाँ तबाह हो गईं और नया लंदन उभर कर सामने आया। पुडिंग लेन पर उस जगह जहाँ से आग भड़की थी एक यादगार तामीर की गई, जिसे आज भी देखा जा सकता है और देख कर सितंबर 1666 के उन खौफनाक तरीन दिनों को याद किया जा सकता है। अपनी राय कमेंट्स के अंदर ज़रूर दीजिए और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।